बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं बाज़िला आपके साथ। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा एरिया से आ रही है। वहाँ से ये न्यूज़ आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के और सरपंच जो है वहाँ के, उनको आज पुलिस ने बुक किया है 1,00,000 रुपया लेते हुए। जी हाँ नाज़रीन, पुलिस ने FIR भी दर्ज किया हुआ है। तो नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे बशीर खान से हम मज़ीद जानते हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP के साथ बात भी की है। जी हाँ नाज़रीन, चलिए मज़ीद उनसे जानते हैं। बात करेंगे हम BJP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुलरहमान टिकरे पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि उसने एक शख्स से 1,00,000 रुपया मांगा है। 1,00,000 रुपया इसलिए मांगा है क्योंकि उनका कोई जेल में है, शायद उनका कोई रिलेटिव है वो जेल में। लेकिन बांडीपुरा पुलिस ने अब्दुलरहमान टिकरे, जो BJP का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन पर FIR लगा दिया गया है। हम आपसे FIR नंबर जो है FIR नंबर 64 और अंडर सेक्शन 420, अब्दुलरहमान टिकरे पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने 1,00,000 रुपया रिश्वत लिया है, और रिश्वत लेने के एवज में उससे फिलहाल बांडीपुरा पुलिस ने FIR दर्ज किया है। नाजी जाने की पूरी कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुलरहमान टिकरे साहब से। कश्मीर काउंट से मैं बशीर अहमद सर। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP अब्दुलरहमान टिकरे साहब मेरे साथ लाइन में जुड़ चुके हैं। नाज़रीन जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब्दुलरहमान साहब, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने 1,00,000 रुपया जो है वो रिश्वत मांगा है, क्योंकि किसी को जेल, जो जेल में बंद है उसे छोड़ने के लिए। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सर, ये मुझे इल्ज़ाम दिया गया, जो 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 लड़का मुश्ताक अहमद चौधरी सरपंच है, वो हमारी BJP का था और वो इसमें चला गया, इसमें अपनी पार्टी में। अब वो मुझे इल्ज़ाम दे रहा है, पैसे उसने खाए, उसका उनका कोई रिश्तेदार था, तो मुझे सरासर इल्ज़ाम दिया गया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ SSP बांडीपुरा जायद मलिक साहब से, और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, इसकी पूरी तहकीकात की जाए, वरना मेरा बच्चा, मेरे पूरी फैमिली मेरी इस वक्त जनाब है ना, अगर मेरा कोई नुकसान हो गया तो ये जिम्मेदार है जिन्होंने मुझे इल्ज़ाम दिया है। हाँ रहमान साहब, आप मुझे ये भी बताइए, जिस तरीके से आप पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है, लेकिन जो मुश्ताक तांत्रे नामी शख्स है उसके साथ आपका कौन सा कनेक्शन था? पहले ये हमारे मुश्ताक तांत्रे हमारे मिनाटी मोर्चे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। हाँ, और उसके बाद उसको उतारा गया, तो उसको लेके स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ले लिया कोई, मतलब मिनाटी मोर्चे का। हाँ, तो उसको वही जिद रही, तो वो उठा तो फिर चला गया अपनी पार्टी में। हाँ, तो फिर कल परसों की जब बात है, जब उसको FIR लगा तो मुझे बुलाया इसने SHU बांडीपुरा रही साहब ने। हाँ, फिर मुश्ताक को भी वहां बुलाया, आमने सामने बात हुई, फिर मुश्ताक ने बोला नहीं 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 अब्दुलरहमान ठीक रही, इसमें कोई मिलावट नहीं, ना इसने पैसे लिए, पैसे मैंने लिए हैं, मैंने घर में रखे हैं, मैं अभी लाता हूँ। तो ये किसने कहा कि पैसे मैंने लिए हैं तो मैं घर से अभी लाता हूँ? मुश्ताक अहमद ने बताया, मुश्ताक तोत्रे ने। तो आप इस जो FIR नंबर 64 है आप पर जो लगाया गया, तो आप इस बारे में आवाम को या BJP के जो बाकी आला अहदेदार है उनको आप क्या कहना चाहते हो? आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए। मुझे बेगुनाह, मुझे इल्जाम में फंसाया गया क्योंकि जिद से कि मैं BJP का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और नाज़रीन, ये थे मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP अब्दुलरहमान टिकरे साहब। इन्होंने ये कहा कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, लेकिन मैंने 1,00,000 रुपया नहीं मांगा है। जो मुश्ताक तांत्रे नामी एक शख्स है उसने पार्टी BJP पार्टी को छोड़ा है और उसने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। ये थे मेरे साथ अब्दुलरहमान टिकरे साहब। नाज़रीन, लेकिन हम आपसे ये भी बताते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बार बार कई फोन कॉल हमें भी आ रही है, क्योंकि BJP में ऐसे शख्स मौजूद है जो लोगों को पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि आदू को वो कहते हैं कि हम नौकरी लगाएंगे, आदू को वो कहते हैं कि हम आपको और कुछ देंगे, लेकिन अगर देखा जाएगा ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से BJP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुलरहमान टिकरे पर जिस तरीके से आज FIR लगा दिया गया, अब आने वाला समय यही बताएगा क्योंकि किसने पैसे खाया है और किसने लोगों को बहकाया है। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। क्या आप भी ऐसी क्रश कम प्रेपरेटरी स्कूल की तलाश में हैं, जो आश्रय हासिल के मुताबिक आपके बच्चों को तालीमी और डेवलपमेंट जैसी जरूरियात को पूरा करे?
डे केयर क्रश कम प्रेपरेटरी स्कूल एक ऐसा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो आपके बच्चों की बेहतर आज को रोशन कल में बदलने की सलाहियत रखता है। इसकी मजबूती सहूलियात में लर्निंग थ्रू फन, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो व्यू द एक्टिविटीज ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू द मोबाइल फोन्स और भी बहुत कुछ। आज ही राबता करें डे केयर क्रश कम प्रेपरेटरी स्कूल, जटी रोड, ख्वाजा बाग, बारामूला। कॉल ऑन 7006948657।